नहीं करते हो, हमेशा वाईफाई देखते हो, और वाईफाई का रिचार्ज मैंने करवाया है। अच्छा फ्रेंड्स नहीं बोलो। हाँ अब प्रॉमिस करो कल से मेरे ब्लॉग में आओगे। बोलो हेलो, बोल दो एक बार प्लीज, कह दो। हाँ कहता ही नहीं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए मॉर्निंग का व्यूज़ है, और यहाँ पर मैं वॉक कर रही थी। थोड़ा ही किया था, मतलब 10 मिनट या 15 मिनट किया होगा, क्योंकि समय की जो अवधि है वो जल्दी जल्दी हो रही थी। और यांस ने नहाया नहीं, यांस ने, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आज उसको नहलाया नहीं है। तो यहाँ पर ना हल्की हल्की धूप निकल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एक्सरसाइज पता नहीं कहाँ से ध्यान में आ गई, मैं कर रही थी, इससे ना पिछवाड़ा निकलता है ऐसा सब लोग बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो रही है एक्सरसाइज, और धूप निकल आई है तब उठे हैं, तब पूजा करके अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। धूप में एक्सरसाइज करते हैं क्या? हैं क्यों क्यों करते हैं धूप में? तुम्हारा कुछ दिख रहा है अंदर का? तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा, और पूजा आरती वगैरह हो गई थी, और पता है प्रसाद ख़त्म हो गया है माता रानी का। तो आज देखते हैं, शाम को जाएंगे तो प्रसाद वगैरह भी लेके आएंगे, कुछ भी बचा नहीं है प्रसाद में। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, और सकल पर बज रहे हैं 12, पता नहीं क्या हो गया है, अभी इतना आलस आता है पूछो मत। दाल बहुत गाढ़ी हो गई है तो इसको थोड़ी सी पतली करेंगे हम, ऐसी दाल नहीं खा सकते। और ये बनाने जा रहे हैं चावल, और बनाएंगे रोटी। रोटी तो हमने रखी है। कहाँ रखी है? एक मिनट, वो तो दो तीन ही रोटी है ना। रोटी आज गेहूं का पता कर लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दाल का तड़का लगा दिया है, और ये दाल ऐसी है थोड़ी सी, इसमें पता नहीं मिक्स है क्या है, ये ना गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको खदकने दूंगी अच्छे से, और ये मैंने चावल धुल लिए हैं, तो अभी मैं धुल लिए हैं इनको, तो अभी मैं बनाऊंगी। वैसे तो मैं भगोने में ही बनाती हूँ, लेकिन कुशवा जी बोल रहे हैं आज मैं भी खाऊंगा चावल, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा बना रही हूँ ना। तो इस भगोने में तो नहीं बनाऊंगी, ये बहुत भारी भगोना है तो गैस बहुत जलती है इसमें। तो देखूंगी कुकर में डालती हूँ, नहीं तो फिर दूसरे भगोने में डालती हूँ। तो यहाँ पर पहले दाल खदक जाने दो, और वो दोनों लोग गए हैं पांडव लेने।
इधर बहुत अच्छी हवा चलती है, बाकी तो सब गर्मी 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 गर्मी। इतनी तेज धूप निकल के आई है पूछो मत। ये देखो पांडव लेने में बहुत लोग गए हैं, बहुत बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी देखते हैं फटाफट खाना बना लेते हैं, फिर आज अयांश की बुक्स वगैरह भी लानी है। तो फ्रेंड्स मेरी दाल खदक चुकी है और ये देखिए, और यहाँ पर मैंने ये बर्तन भी धुल लिए, कुकर वगैरह धुल लिया मैंने, दाल ये हो गई फटाफट से। अब मैं इसको भगोने में कर लेती हूँ, इस वाले भगोने में जल्दी से इसमें आ जाएगी। और कढ़ाई भी धुल के रख देती हूँ क्योंकि अभी ना पानी आ रहा है, नहीं तो फिर उससे धुलना पड़ता। तो फ्रेंड्स इनका तो ये टहल के आए दोनों लोग और तुरंत खाने लग गए हैं ना। अयंश अयंश आपने खा लिया? हाँ, मैंने डेट चावल डेट और डेट भी खाई। मैंने क्या खाया जी? रोटी ले लो, राइस क्यों ले रहे हो? रोटियां कौन खाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर फटाफट से बना लेती हूँ, बस दो तीन बची हैं, बाकी तो बना ली मैंने। ये देखो तो फ्रेंड्स ये रोटियां बना लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मिलती हूँ। और आज काजल लगा के मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है। पापा खा रहे हैं खाना, तो रोटी बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ। ओए हाय, क्या खा रहे हो? दाल चावल सब्जी रोटी। अभी ये घूम के आए तो क्या कह रहे थे? अम्मा ने कुछ नहीं बना पाया। और अब ये कहाँ से खा रहे हो है? तो फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर दूध गरम, और बज रहे हैं अभी 2:30। और यहाँ पर ये लला का दूध है कल का, तो हल्का सा गुनगुना कर दूँ तो ये पी लेगा। और इसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। बाबू मैया दिखाओ मुझे, क्या हो गया आपको? अम्मा मैं स्विमिंग करने जाऊंगा डेली। स्विमिंग करने? अभी क्या हो गया? अभी मुझे थोड़ी है, लेकिन मुझे अभी अम्मा मैं स्विमिंग करूंगा ना, मुझे थोड़ी नहीं हुई। और आज इसने नहाया भी नहीं क्योंकि इसको ना सर्दी हो गई है। तो यहाँ पर इसको पहले दूध दे देती हूँ। और कुशवा जी फुल सर्राटे में है, सुबह खाना खा लिया और तब से सो रहे हैं, फिर उठे बीच में फिर से सो गए। उनका सैटरडे ऐसे ही निकलता है। कहाँ क्या लेने जा रहे थे, बुक्स वगैरह लेने जा रहे थे। तो फ्रेंड्स ये देखो ये दोनों लोग कैसे लेटे हैं नीचे सो रहे हैं। उठे खाना खाया फिर सो गए, उठे खाना खाया फिर सो गए। और इतना गर्म हो रहा है ना कि बिस्तर पे तो बिल्कुल बैठने का भी मन नहीं कर रहा। इधर बज गया 2:30, तो मैं मेरा काम करने जा रही हूँ। बिस्तर पे तो बैठने का भी मन नहीं कर रहा, तो यहाँ मैं जा रही हूँ। मैंने ये बोरी सिली थी ना, तो मेरा काम है भैया गेहूँ खिलाओ रोटी खिलाओ। तो ये गेहूँ साफ करूँगी अभी मैं थोड़े से। और इतना गर्म होता है ना, तो मैंने ये डाल दिया है पूरा, तो कैसा थोड़ी धूप कम आती है पौधों में, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप आती थी पहले, अभी तो कम आती है। आती भी है तो थोड़ी बहुत आती है। और कपड़े वगैरह पड़े हैं सूख जाएंगे। किचन वगैरह तो साफ कर दी थी मैंने, तभी बर्तन वगैरह सब धुल दिए थे। तो यहाँ पर बस लला का दूध गर्म हो जाए, और ये अभी दूध गर्म किया था। तो फ्रेंड्स ये देखो चाय पानी पी के आप बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि आप मेरे ब्लॉग में क्यों नहीं आते हो बताओ? क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, मैं फेसबुक देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ। फेसबुक देखते हो लेकिन फेसबुक में वो नेट खर्च करते हो, वो किसका जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पर सही से बताओ, दे रही हूँ मैं अयांश को, तुम्हारा नहीं जाता फटाफट से। तुम अपना नेट चालू भी नहीं करते हो, हमेशा वाईफाई देखते हो, और वाईफाई का रिचार्ज मैंने करवाया है। अच्छा फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ ये ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मैं बिजी रहती हूँ ना, तो उस टाइम पर इनको मौका मिल जाता है ना, फिर
सेलिब्रिटी की देखते हैं, किसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, किसके कितने बच्चे हैं, किसके कितनी शादी हुई है, यही देखते हो ना? सही बोलो, झूठ नहीं बोलो। हाँ। अब प्रॉमिस करो कल से मेरे ब्लॉग में आओगे। शट अप बोलो। हेलो बोल दो जल्दी, मेरे ब्लॉग में आओगे कि नहीं? नो। बोल दो एक बार प्लीज, कह दो। हाँ कहता ही नहीं। जल्दी बोल दो, मेरे ब्लॉग में आया करोगे कि नहीं? रुको मैं लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रुको मैं इनको थोड़ा सा ठोंक पीट लूँ, फिर अभी रुको। आओगे? आएंगे। आओगे ना? तो गाइज इनको ना ठोक पीट के तैयार करना पड़ता है तब ये सुन पाते हैं। अब आया करोगे ना ब्लॉग में? आएंगे। गुड बाय। गुड बाय। अभी चल रहे हैं ना बाहर घूमने? आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। बत्तखों से बाय।